दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक डिफरेंट रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ जो मशरूम के ऊपर है। जो मशरूम को देख के आ थू और जो हेट्स करते हैं ना मशरूम से, आज वो उस रेसिपी को खा के प्यार करने लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून टोमेटो केचप, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला घर का बना हुआ है, 1 से थोड़ा कम टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा गार्लिक पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर है, और ये 1 चम्मच पूरा भरकर है अनियन पाउडर, 1 पैकेट हमें मशरूम चाहिए और साथ में थोड़ा सा बटर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सारे मशरूम्स को बोल में डाल के सारे इंग्रेडिएंट्स, सूखे जो मसाले हैं, हम लोग सूखे मसाले सारे इस बोल के अंदर डालेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालकर, जो लास्ट में टोमेटो केचप होगा उसको डालकर, एक एक हम लोग जो मशरूम है उसको पूरा कोटेड कर देंगे। एक एक मशरूम को आपको कोटेड करना है। कोटेड करने के बाद इसको हम सिर्फ 2 मिनट रखेंगे। मसाले से कोट हो गए हैं सारे मशरूम्स, देखिए इस तरह से कोट होना चाहिए एक एक मशरूम। में आप एडजस्ट कीजिए ऐसे मशरूम्स को, एक एक करके लगाइए। कोशिश कीजिए कि अच्छे से इसमें मसाला लगता हुआ आप ऐसे लगाएं। आप इसको धीरे धीरे ऐसे रोस्ट करते रहें और हल्का हल्का इसके ऊपर बटर लगाते रहें। ये देखिए, ये रोस्ट हो रहे हैं हमारे मशरूम्स। देखिए ये थोड़ा सा पॉइंट ऐसा आ गया है कि रोस्टेड वाला आ गया। आप जिसको जितना क्रिस्पी खाना है आप उतना क्रिस्पी रख सकते हैं। ये रेडी है खाने के लिए। और इसका प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि मशरूम के अंदर बहुत पानी होता है, तो ये पानी इसमें से निकलेगा तो आप घबराइएगा नहीं। ये देखिए आपका मशरूम रोस्ट हो गया है, ये खाने के लिए तैयार है। देखिए रेडी है खाने के लिए। एक एक मशरूम पे देखो इतना अच्छा मसाला लगा हुआ है। आप खा के जरूर ट्राई कीजिएगा, खाइए बताइए, मुझे कमेंट्स कीजिए कि कैसा बना है ये मशरूम। एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे आप। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए, और प्लीज आप ये मुझे रेसिपी बताइए कैसी लगी आपको, ठीक है। और नेक्स्ट आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, केक रेसिपी, कोई वेजिटेरियन रेसिपी या नॉन वेजिटेरियन। आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। थैंक यू।